एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो साड़ी हॉल। आज की साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आपको आज देखने को मिलेगा। सारी साड़ियाँ न्यू अराइवल है, बजट फ्रेंडली है एंड सारी साड़ियों की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड आप लोग को एक और डाउट होता है कि मेरे शॉर्ट्स में आपको लिंक नहीं मिल पाती है, सो मैं ना डायरेक्टली लिंक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो क्लिकेबल नहीं होती। हाँ, मैं कोड्स दे सकती हूँ, जो प्रोडक्ट कोड होते हैं ना वो मैं मैंशन कर सकती हूँ। सो अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए ना, तो जो भी शॉर्ट्स वीडियो डलते हैं आप नीचे में देखेंगे तो वहां पर एक रिलेटेड वीडियो मैंशन की हुई होती है, आप उस पे क्लिक करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी ही साड़ियों की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एंड चेक करते हैं कि मैंने कौन सी साड़ियां परचेस की एंड वो मुझे कैसे रिसीव हुई है। ये है आज की हमारी फर्स्ट साड़ी, जो कि विचित्र सिल्क फैब्रिक में है एंड इसमें ना आपको 6 to 7 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मैंने मरून कलर पिक किया हुआ है एंड ये बांधनी प्रिंट में साड़ी मिल जाती है आपको। साड़ी स्टार्ट हो जाती है, ये इसका पल्लू वाला पोर्शन है एंड यहाँ पे आपको ये ऐसे 2 टेसल्स मिल जाते हैं एंड एंड में ये चौड़ी वाली बॉर्डर मिल जाती है, जो कि पूरी जरी की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, पूरा थ्रेड का वर्क दिया हुआ है एंड इसमें ना पूरी साड़ी में आपको ये वाली बॉर्डर मिल जाएगी देखने को, छोटी वाली कुछ इस तरीके से, जो कि ग्रीन एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन में है, पूरा जरी का वर्क दिया हुआ है एंड ग्रीन कलर की पूरी पाइपिंग दी हुई है। ओवरऑल पूरी साड़ी में दी हुई है इस तरीके की पाइपिंग, बैक साइड से आप देख सकते हैं एंड पूरी साड़ी में ना आपको ये वाला प्रिंट देखने को मिलेगा, पूरा बांधनी का प्रिंट आपको मिल जाता है ओवरऑल पूरी साड़ी में कुछ तरीके से। बैक साइड से कुछ ऐसे दिखती है ये साड़ी एंड ये फ्रंट वाला पोर्शन है। ये ओवरऑल पूरी साड़ी ऐसी दी हुई है। ये प्लेट वाला सेक्शन है एंड प्लेट वाले सेक्शन में भी पूरे ऊपर तक आपको ये वाले जो प्रिंट है ना वो देखने को मिलेंगे, हाफ पोर्शन में नहीं है, पूरा फुल देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर ये बॉर्डर जो है ये ख़त्म हो जाती है एंड इसकी पाइपिंग भी ख़त्म हो जाती है, ये एंड सेक्शन है एंड यहाँ पर ना आपको अराउंड 1 मीटर का पूरा प्लेन फैब्रिक देखने को मिलेगा। इस साड़ी में ये इशू आएगा कि आपको पीछे में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन देखने को मिल सकता है। देन ये साड़ी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अंदर में जो वर्क दिया हुआ है ना वो पूरा पांधनी का वर्क दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं पास से वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है। बीच बीच में ये वाले थोड़े बड़े बड़े प्रिंट हैं एंड ओवरऑल साड़ी में ये बांधनी वाले आपको छोटे छोटे प्रिंट देखने को मिलेंगे पूरी साड़ी में। प्रिंट्स अच्छे लग रहे हैं, साड़ी सुंदर है। देन यहाँ पर इसका ब्लाउज दिया हुआ है जो कि ग्रीन कलर में दिया हुआ है। जो लेंथ है ना वो काफी कम दी हुई है, यहाँ पर आपको अराउंड 0.7 मीटर का ब्लाउज देखने को मिलेगा। थोड़ा और इसकी लेंथ होती तो अच्छा होता। यहाँ पर आपको स्लीव्स के लिए ये वाला वर्क मिल जाता है दोनों साइड में। देन फ्रंट पोर्शन है ब्लाउज का, इससे आप फ्रंट वाला पोर्शन स्टिच करवा सकते हैं एंड बोथ साइड में ना आपको स्लीव्स के लिए ये वाली डिजाइन देखने को मिलेगी, ये वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। जो इसका ब्लाउज है उसका भी फैब्रिक जो है वो विचित्र सिल्क में दिया हुआ है। इस साड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये थी अराउंड 966 में एंड थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, 1000 के ही अराउंड में ये साड़ी है। फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम सॉफ्ट वाला है, बिल्कुल भी ये साड़ी चुभ नहीं रही है, बहुत ही स्मूथ सी साड़ी है। इसकी बॉर्डर की में भी जो डिटेलिंग दी हुई है ना उसकी फिनिशिंग भी अच्छी खासी दी हुई है, सब कुछ अच्छा है। जस्ट मुझे 2 इश्यू इसमें समझ में आया, एक ब्लाउज की लेंथ को लेकर के एंड बैक साइड में आपको प्लेन पोर्शन देखने को मिलने वाला है इस साड़ी के साथ। बाकी साड़ी का प्रिंट एंड एवरीथिंग अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, इसमें ना आपको टोटल 4 to 5 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मुझे स्पेशली ये वाला कलर जो थोड़ा पर्पल्स है, डार्क पर्पल में है ये शेड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। जो हम आपके है कौन, उसमें माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी ये मुझे थोड़ी बहुत वैसी लग रही थी क्योंकि इसका कलर भी कुछ वैसा ही है, इसीलिए मैंने इसे मंगवाया हुआ है।
चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। इसमें ना बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ये वाली आपको बॉर्डर देखने को मिलने वाली है पूरी साड़ी में, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है एंड ये काफी स्टाइलिश सा लुक भी देने वाली है। बॉर्डर देख सकते हैं पूरा आपको एम्ब्रॉयडरी का सिल्वर जरी का पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है बॉर्डर में एंड एंड में भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है साड़ी में। थोड़ा सा जो इसका बॉर्डर है ना मुझे हल्का सा चुभ रहा है एंड देन पूरी प्लेन नहीं है साड़ी, कुछ भी नहीं दिया हुआ है अंदर में, जस्ट आपको ये छोटी वाली बॉर्डर देखने को मिलने वाली है एंड ये पूरी साड़ी ना ऐसे ही दी हुई है, ओवरऑल पूरी ऐसे ही मिल जाती है आपको, पूरा अंदर प्लेन फैब्रिक देखने को मिलेगा। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है एंड बहुत अच्छा वाला जॉर्जेट है, थोड़ा मोटा सा होता है, थोड़ा हैवी सा वैसा वाला जॉर्जेट है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, साड़ी बहुत सुंदर लग रही है एंड देन ना यहाँ पर आपको इतना फैब्रिक मिल जाता है प्लेन वाला। हो सकता है कि आपको बैक साइड में ये वाला बॉर्डर ना मिले, बट अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना, क्योंकि प्लेट वाले पोर्शन में, क्योंकि इसकी प्लेट्स थोड़ी ज़्यादा बन रही थी, तो थोड़ा अगर आप एडजस्ट करेंगे तो पीछे में भी आपको यही वाला बॉर्डर मिल जाएगा। एंड जो इसका ब्लाउज है ना वो अलग से दिया हुआ है जो कि पूरा डिज़ाइनर है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो ये इसका ब्लाउज है जो कि पूरा डिजाइनर दिया हुआ है एंड ये ना आपको 1 मीटर का ब्लाउज मिल जाता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ इसकी। साड़ी बिल्कुल सिंपल है, ब्लाउज बहुत ज़्यादा हैवी बनने वाला है, डिज़ाइनर बनेगा। सो यहाँ पे ये ना एलिफेंट वाली डिटेलिंग मिल जाती है आपको स्लीव्स के लिए, लॉन्ग स्लीव्स में कुछ इस तरीके से, जैसी बॉर्डर साड़ी में दी हुई है वैसे ही आपको यहाँ पे स्लीव्स में मिल जाएगी एंड अंदर में छोटे छोटे बूटे दिए हुए हैं एंड एलिफेंट की ऐसी डिटेलिंग देखने को मिलेगी दोनों साइड में, कुछ ऐसी स्लीव्स के लिए डिज़ाइन दी हुई है। देन बैक साइड साड़ी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये ऑलिव कलर में, मेहंदी कलर हम इसे बोल सकते हैं एंड इसमें ना आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक 7 to 8 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एंड इसका जो फैब्रिक है वो है ऑर्गेन्जा सिल्क। तो चलिए साड़ी को ओपन करके देख लेते हैं। सो ये साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है एंड इसमें ना आपको पूरा कटवर्क देखने को मिलेगा, बॉर्डर बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरा रोज का थ्रेड वर्क दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये साड़ी जो है थोड़ा गर्लिश लुक में है, बहुत प्यारा लुक क्रिएट करने वाली है पहनने के बाद एंड आपको अंदर में ना ये छोटे छोटे ये वाले बूटे देखने को मिलेंगे पूरी साड़ी में। सो ये पूरी साड़ी ऐसे ही दी हुई है, जस्ट बॉर्डर मिल जाती है एंड अंदर में आपको ये छोटे व्हाइट वाले बूटे देखने को मिल जाते हैं, दोनों साइड में यही वाली सेम बॉर्डर मिल जाती है आपको। देन ये पूरी साड़ी ऐसे ही है, हाफ पोर्शन में जो प्लेट वाला सेक्शन है ना उसमें ये बूटे दिए हुए हैं एंड ऊपर में आपको ये जस्ट प्लेन फैब्रिक देखने को मिलने वाला है। देन यहाँ पर ये बॉर्डर खत्म हो जाती है, ये नीचे का एंड पोर्शन है एंड यह रनिंग में ब्लाउज दिया हुआ है। सो मुझे लग रहा था ना कि ब्लाउज में थोड़ा प्रिंट दिया होगा, जैसा साड़ी में बॉर्डर दी हुई है वैसा कुछ दिया होगा, बट इसका जो ब्लाउज है ना वो पूरा प्लेन आया हुआ है, पूरा प्लेन फैब्रिक मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके से। ये बॉर्डर एंड होने के बाद ये जो पूरा फैब्रिक है ना वो पूरा प्लेन दिया हुआ है, तो इससे आप ब्लाउज निकलवा सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए ना अगर आपके पास वाइट ब्लाउज ऑलरेडी है या फिर आप वाइट फैब्रिक लेकर के इसका ब्लाउज स्टिच करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली इसके साथ जो है ना वाइट कलर का ही ब्लाउज आना चाहिए था, बट इन्होंने पूरा प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। साड़ी अच्छी है, जो फैब्रिक है वो भी अच्छा है, थोड़ा सा स्लीपरी है साड़ी, जब प्लेट्स होती ना साड़ी की उसको जमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे एंड इसकी लेंथ भी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। बाकी साड़ी अच्छी है, इसका जो प्राइसिंग है वो 700 अराउंड है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, इसमें ना सिंगल कलर दिया हुआ था एंड फैब्रिक मेंशन किया हुआ था जॉर्जेट, बट ये जॉर्जेट मुझे नहीं लग रहा है, जो शिफॉन वाला होता है ना शिमर वाला, ये फैब्रिक मुझे वैसे लग रहा है। सो इसे ओपन करके देख लेते हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है ना ये इसका बॉर्डर दिया हुआ है, ये पल्लू वाला पोर्शन है एंड इसके जो बॉर्डर है ना उसमें आपको पूरा सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है, सिल्वर कलर में है इसके सीक्वेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा शाइन कर रहा है और फैब्रिक भी शिमर वाला है एंड बीच बीच में आपको ये वाला वर्क मिलेगा पूरी साड़ी में, जो कि काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। इसका कलर जो है वो पीच कलर है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे।
सो ये ना पूरे ऐसे ही प्रिंट दिए हुए हैं अंदर में, एंड ये पूरी दोनों साइड आपको ये कटवर्क वाली ये बॉर्डर मिल जाती है, सीक्वेंस एंड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है बॉर्डर में। सो ये पूरी साड़ी ऐसे ही दी हुई है। देन ये वाला इसका प्लेट वाला पोर्शन है, जो कि हाफ पोर्शन में आपको ये वाला वर्क देखने को मिलेगा साड़ी में। देन ये पूरी साड़ी ऐसे ही दी हुई है, ओवरऑल पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिल जाती है। एंड यहाँ पर ना इसका जो ब्लाउज है वो अलग से दिया हुआ है, एंड यहाँ पर आपको 1 मीटर से भी कम प्लेन फैब्रिक देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। पीछे आपको प्लेन पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा। सो इसका ब्लाउज अलग से दिया हुआ था, एंड इसका फैब्रिक जो है ना वो मुझे थोड़ा सॉफ्ट वाला जो जॉर्जेट होता है उस टाइप का लग रहा है। सो इसका जो ब्लाउज है वो ब्राउन कलर में दिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट करके, एंड इसमें भी आपको ये वाली कटवर्क ऐसे मिल जाता है, सीक्वेंस एंड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी। पूरे ब्लाउज में जस्ट ये छोटे वाले फ्लावर्स मिल जाते हैं पूरे फैब्रिक में कुछ इस तरीके से। एंड ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ना, इससे आप अपनी स्लीव्स निकलवा सकते हैं। एंड जो फैब्रिक की लेंथ है वो है 0.9 मीटर, इस ब्लाउज की लेंथ 0.9 मीटर मिल जाती है आपको। सो प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका जो प्राइस था वो 1000 समथिंग था। अगेन मुझे 1000 के प्राइसिंग में ये साड़ी थोड़ी सी कॉस्टली लग रही है। जैसा कैटलॉग में साड़ी की फोटो दी हुई थी ना, तो मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी। सो नेक्स्ट है ये वाली साड़ी। इस साड़ी में ना आपको टोटल 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एंड इसका जो फैब्रिक है वो है सॉफ्ट ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक। जब इस साड़ी को मैंने ओपन करके देखी तो मुझे लगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो शायद नीचे का होगा, बट ऐसे नहीं था। ये वाला जो पोर्शन है वो पल्लू वाला पोर्शन है, एंड आप देख सकते हैं कि एक साइड में तो ये बॉर्डर दी हुई है, देन इस साइड में ना ये पूरा प्लेन पोर्शन दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि जो सेलर है उन्होंने क्या भेजा है मुझे, क्योंकि जनरली साड़ी तो ऐसे नहीं होती है, दोनों साइड बॉर्डर दिया हुआ होता है। तो आप देख सकते कि एक साइड बॉर्डर ही नहीं दिया हुआ है, एंड ये जो है ना, ये चीज है ना, ये पूरी साड़ी में ऐसे ही दी हुई है। देखिए आप, एक साइड में जस्ट ये पूरा प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है पूरे एंड तक कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे साड़ी खत्म हो चुकी है, इसका ब्लाउज अलग से दिया हुआ है, एंड जस्ट एक साइड में ये वाली बॉर्डर दी हुई है। सो जब ये साड़ी आई थी तब मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जब मैंने इसे ओपन करके देखा तब मुझे पता चला कि ओ, ये इन्होंने क्या भेज दिया है। इसका बॉर्डर देख करके मैंने ये साड़ी ऑर्डर की हुई थी, एंड आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर कितना ज़्यादा अच्छा दिया हुआ था, बट पता नहीं इन्होंने मुझे क्या भेज दिया है। सो अगर आपको ये साड़ी दिखती है मीशो पे तो प्लीज़ आप इसे परचेज मत करना। ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा बेकार आई हुई है, जिसे हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। एंड इन्होंने ना सेपरेटली एक ब्लाउज भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अलग से ब्लाउज के लिए भी कुछ इस तरीके का फैब्रिक दिया हुआ था, जिसमें एक साइड बॉर्डर दी हुई थी एंड एक साइड में ये वाला प्लेन पोर्शन दिया हुआ था। ये थे आज के हमारे सारे साड़ी कलेक्शन में। ट्राई करती हूँ कि जो भी ऑनेस्ट रिव्यू होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपके लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।